हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल आरजी क्लासेस। आज मैं आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके आई हूँ, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख ही रहे हो, दैट इज़ रीडिंग स्किल। एंड मैं आपसे इसमें आज मोस्ट इम्पॉर्टेंट टर्म्स डिस्कस करूँगी स्टेप बाय स्टेप। पहले तो हम रीडिंग स्किल को पढ़ेंगे, देन पढ़ेंगे हम टाइप्स ऑफ रीडिंग, जिसमें स्कीमिंग, स्कैनिंग, इंटेंसिव, एक्सटेंसिव, लेक्सिकल, इन सभी तरह की रीडिंग्स को हम डिस्कस करेंगे। लेकिन मेरी आज की जो ये वीडियो रहेगी, इसमें मैं सिर्फ आपसे एक ही टाइप डिस्कस करूँगी, दैट इज़ स्कीमिंग। और मैं आपको बड़े अच्छे से कराऊँगी, डिटेल में कराऊँगी, क्योंकि जब हम स्कैनिंग शुरू करेंगे तो आपका पिछले वाला कंसेप्ट जो स्कीमिंग रहेगा उसमें आपका कोई भी डाउट नहीं रहेगा। क्लियर? और मैं अभी तक की 55 वीडियोज़ बना चुकी हूँ, तो आप मेरे चैनल पर विजिट करके अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। अब हम What is reading? आप खुद सोचिए, जैसा जब आप रीड कर रहे हो किसी भी टॉपिक को, किसी भी मटेरियल को, तो आप बुक में से देख के पढ़ रहे हो। यानी बुक की जो लैंग्वेज होती है वे हमारी होती है एनकोडेड फॉर्म में, इट मीन्स कोडिंग लैंग्वेज, ठीक है। लेकिन जब आप अपनी अंडरस्टैंडिंग के थ्रू, अपने प्रायर नॉलेज के बेसिस पे, जब आप उस कोडिंग लैंग्वेज यानी एनकोडेड जो टेक्स्ट मैसेज है, जब आप उसको अपने शब्दों में समझने की कोशिश करते हो कि इस मटेरियल में या ये टेक्स्ट हमें क्या इन्फॉर्मेशन दे रहा है, देन आपने उस मैसेज को क्या कर लिया, डिकोड कर लिया। यानी आपने उस कोड को अपने वर्ड्स में कन्वर्ट कर लिया और आपने उस मैसेज को समझ लिया, ठीक है। बड़ा ईजी है, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। तो ये क्या हो गई, हमारी रीडिंग हो गई। तो आप एक चीज़ नोटिस करो कि जो भी प्रोसेस हुआ हमारा रीडिंग का, इसमें हमारा माइंड, हमारा कॉग्निटिव लेवल, इसमें हमारा जो माइंड है पूरे रीडिंग के प्रोसेस के टाइम, हमारा माइंड, हमारा कॉग्निटिव लेवल यूज़ हुआ। तो ये कौन सा प्रोसेस है हमारा? रीडिंग इज द कॉम्प्लेक्स कॉग्निटिव प्रोसेस ऑफ डिकोडिंग सिंबल्स टू ड्राइव मीनिंग। इट इज़ अ फॉर्म ऑफ लैंग्वेज प्रोसेसिंग। रीडिंग क्या है? एक कॉम्प्लेक्स, एक जटिल, एक कॉग्निटिव प्रोसेस है जिसमें हम सिंबल्स को डिकोड करते हैं उस मीनिंग को समझने के लिए। इट इज़ अ फॉर्म ऑफ लैंग्वेज प्रोसेसिंग। जब हम रीडिंग कर रहे हैं तो इसका मतलब हम एक लैंग्वेज को प्रोसेस कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? देखिए, सबसे पहले आप इनपुट लोगे, जो भी रिटन टेक्स्ट है उसको आप देखोगे, उसको पढ़ोगे, तो आपके एक माइंड में एक इनपुट आया जो कि एक एनकोडेड फॉर्म में था। देन आप उसको अपने माइंड का यूज़ करके, अपने ब्रेन का यूज़ करके उसकी क्या करोगे, प्रोसेसिंग स्टार्ट कर दोगे, ठीक है। देन आफ्टर प्रोसेसिंग आपको क्या मिलेगा? यू रिसीव अ आउटपुट, ठीक है, इन डिकोडेड फॉर्म। देन आपको रिजल्ट मिलेगा, यानी आप उसको अपने वर्ड्स में, अपने लैंग्वेज में, आप उस एनकोडेड लैंग्वेज को कन्वर्ट कर समझ जाओगे कि ये हमें क्या इन्फॉर्मेशन दे रहा है रिटन टेक्स्ट। यानी इसका मतलब आपने उस मैसेज को डिकोड कर लिया, ठीक है। तो इसको हम कहेंगे कि एक लैंग्वेज प्रोसेसिंग भी होता है। रीडिंग इज़ अ रिसेप्टिव स्किल। सीधी सी बात है, लिसनिंग एंड रीडिंग ये दोनों हमारी रिसेप्टिव स्किल होती है, एंड स्पीकिंग एंड राइटिंग हमारी प्रोडक्टिव स्किल होती है। ये मैंने आपको मेरी इंग्लिश पेडागोजी की वीडियोस में बताया था, क्लियर। तो रीडिंग हमारी रिसेप्टिव स्किल है, बिकॉज क्योंकि हम रीड कर रहे हैं, हम एक मटेरियल को रिसीव कर रहे हैं, ठीक है। बट द कॉम्प्लेक्स प्रोसेस ऑफ रीडिंग ऑल्सो रिक्वायर्स द स्किल ऑफ स्पीकिंग सो दैट वी कैन प्रोनाउंस द वर्ड्स दैट वी रीड। हमने रीडिंग को कॉम्प्लेक्स प्रोसेस इसलिए कहा है क्योंकि जब आप रीड कर रहे हो किसी भी मटेरियल को, किसी भी रिटन टेक्स्ट को, तो रीडिंग करने के टाइम, चाहे आप वे रीडिंग साइलेंट रीडिंग कर रहे हो, चाहे आप लाउड रीडिंग कर रहे हो, दोनों ही केसेस में आप वर्ड्स को प्रोनाउंस करते हो, और वर्ड्स को प्रोनाउंस करने के लिए आपके पास स्पीकिंग स्किल होनी चाहिए। दैट्स वाई हमने रीडिंग को एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस कहा है, बिकॉज इसमें हमारी दो स्किल की रिक्वायरमेंट है। अगर आपकी स्पीकिंग स्किल अच्छी है तभी आप रीडिंग कर पाएंगे। आपने देखा होगा हमारी फोर स्किल्स होती है जो कि सिक्वेंस वाइज चलती है, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। अगर आपकी लिसनिंग अच्छी होगी तो आप स्पीकर बन पाएंगे, अगर आपकी स्पीकिंग अच्छी होगी तो आप रीड कर पाएंगे, और अगर आपकी रीडिंग अच्छी होगी तो आप राइट कर पाएंगे। तो हर एक स्किल के साथ हमारी जो प्रीवियस स्किल होगी वे ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। क्लियर? हम आगे मूव करते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड पे, देखिए। तो रीडिंग स्किल क्या है? सीधी सी बात है, जब आप
एक रिटन टेक्स्ट की को समझने समझ सकते हो, जब आपके अंदर वे एबिलिटी होगी कि जिसकी हेल्प से आप एक रिटन टेक्स्ट को समझ पा रहे हो, उसको अंडरस्टैंड कर पा रहे हो, तो इसका मतलब आपके पास रीडिंग स्किल है। इट इज़ एडवाइजेबल टू डेवलप दिस स्किल एट अर्ली एज ऑफ स्कूलिंग वेन स्टूडेंट्स कॉम्प्रीहेंड और अंडरस्टैंड रिटन टेक्स्ट एंड कंबाइन देयर अंडरस्टैंडिंग विद प्रायर नॉलेज दे आर एबल टू परफॉर्म द फॉलोइंग थ्री रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन स्किल्स। क्या कह रहा है इसके अंदर कि जब एक बच्चा एक स्टूडेंट जब एक रिटन टेक्स्ट को समझता है, उसको कॉम्प्रीहेंड अंडरस्टैंड बोथ आर सेम वर्ड, जब उसको समझने की कोशिश करता है तो जैसे ही भी उसको डिकोड करता है अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, जो भी उसको इन्फॉर्मेशन मिल रही है रिटन टेक्स्ट के, उस इन्फॉर्मेशन को वो अपनी प्रीवियस नॉलेज के साथ कनेक्ट करने की कोशिश करता है। जब वे न्यू इन्फॉर्मेशन को अपनी प्रीवियस नॉलेज के साथ कनेक्ट कर रहा है तो उस टाइम वे तीन स्किल्स अपनी यूज कर रहा होता है। कौन सी थ्री स्किल्स? दैट इज रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स को वे यूज कर रहा होता है जब वह प्रीवियस न्यू इन्फॉर्मेशन को अपनी प्रीवियस नॉलेज के साथ कनेक्ट कर रहा है। बिल्कुल इजी है। देखिए, लिटरल कॉम्प्रिहेंशन आइडेंटिफाई सिंपल फैक्ट्स प्रेजेंटेड इन रिटन टेक्स्ट। यानी मान लीजिए आप मेरा चैनल, आपने मेरी वीडियो ओपन की रीडिंग स्किल की, आप इसमें इस रिटन टेक्स्ट को पढ़ रहे हो और उसको आप समझ रहे हो अपने शब्दों में, क्लियर। देन है इवेल्युएटिव कॉम्प्रिहेंशन, मेक जजमेंट्स अबाउट द रिटन टेक्स्ट कंटेंट। इसका मतलब आपने जो भी मेरा वीडियो में कंटेंट पढ़ा, आपने इसको इवेल्युएट किया कि ये मेरे लिए कितना बेनिफिशियल है, इसमें मुझे क्या कमी आई जो मुझे बताना चाहिए कि इम्प्रूव करे, क्लियर। और आगे मेरी स्टडीज में जो मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जो मैं देख रहा हूँ, तो वहां पर मुझे एक ऐसी, मतलब आपने जजमेंट्स बनाने शुरू कर दिया, आपने इसको एवेल्युएट करना शुरू कर दिया, ये आपकी है सेकंड स्किल रीडिंग के अंदर। देन आपकी आती है थर्ड एंड लास्ट स्किल, दैट इज इन्फ्रेंशियल कॉम्प्रिहेंशन। जब आपने मेरे चैनल के थ्रू आपने जब नई इन्फॉर्मेशन को लिया विद द हेल्प ऑफ रीडिंग, देन आपने उसको कनेक्ट किया नई नई सिचुएशंस के अंदर। फॉर एग्जाम्पल, जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम यानी जब आप सीटेट का पेपर या एसटेट का पेपर अटेम्प्ट कर रहे हैं, देन आपने यहाँ से जो आपने नॉलेज लिया, आपने उस नॉलेज को वहां पर कनेक्ट किया, उस सिचुएशन के अंदर आपने इस नॉलेज को कनेक्ट किया, दैट इज इन्फ्रेंशियल कॉम्प्रिहेंशन। आई होप आपको लिटरल, इवेल्युएटिव एंड इन्फ्रेंशियल, आपको तीनों तरह की स्किल अच्छे से क्लियर हो गई होगी। जब एक बच्चा न्यू नॉलेज को अपनी प्रीवियस नॉलेज के साथ कनेक्ट करता है विद द हेल्प ऑफ रीडिंग, देन अपनी उस टाइम एक स्टूडेंट इन तीनों कॉम्प्रिहेंशन स्किल का यूज कर रहा होता है, क्लियर। तो आई होप आपको ये चीज बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गई होगी। एंड जो मैं आपको एक बात बताने वाली हूँ, जो मैंने अभी आपको बताया कनेक्ट करना अपनी प्रीवियस नॉलेज के साथ, ये वाला कंसेप्ट हमारा पियाजे की थ्योरी में भी था, जिसमें हमने कुछ टेक्निकल टर्म्स का यूज किया था, दैट इज एसिमिलेशन, एकोमोडेशन, क्लियर। एसिमिलेशन का मतलब होता है कि जब आप अपने एग्जिस्टिंग नॉलेज यानी जो आपका स्कीमा ऑलरेडी बना हुआ है उसको आप थोड़ा सा एक्सपेंड कर रहे हो, यानी आप ओल्ड नॉलेज के साथ कुछ उसमें नया नया डाटा, नई नई इन्फॉर्मेशन ऐड कर रहे हो, जिससे आपका स्कीमा एक्सपेंड हो रहा है, क्लियर। एकोमोडेशन का मतलब जो आपका एग्जिस्टिंग स्कीमा है आपने उसको चेंज कर दिया, यानी जैसे ही आपको कोई नई इन्फॉर्मेशन मिली आपने अपने एग्जिस्टिंग स्कीमा को मॉडिफाई कर दिया, चेंज कर दिया, क्लियर। लेकिन जब आपने कोई नई इन्फॉर्मेशन ली और वे आपकी प्रीवियस नॉलेज के साथ सूट नहीं कर रही, तो आपके अंदर एक एनेक्साइटी आएगी, एनेक्साइटी यानी आप थोड़े से एक्साइटेड हो जाएंगे कि ये क्यों हो रहा है, थोड़ी सी आपको बेचैनी हो जाएगी कि मैं इस नई इन्फॉर्मेशन को समझ नहीं पा रहा, या जो ऑलरेडी मेरा एक कंसेप्ट बना हुआ है एक चीज़ को लेके उसके साथ वे चीज़ सूट नहीं कर रही, तो मैं क्या करूँ। तो उस केस में आपकी जो तीसरी टर्म होगी वे है इक्विलिब्रेशन, यानी एक ऐसा कंसेप्ट है जो आपको फोर्स करेगा कि आप उसको समझने की कोशिश करो और उसको इक्विलिब्रियम में लाने की कोशिश करो, यानी आप अपनी प्रीवियस नॉलेज प्लस न्यू नॉलेज में एक मैच लाने की कोशिश करो, दैट इज इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रेशन एंड इक्विलिब्रियम बोथ आर डिफरेंट टर्म्स। आई होप आपको यहाँ से कुछ जो टेक्निकल टर्म्स जो पियाजे ने यूज़ की थी आपको वे भी क्लियर हो गई होगी। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं, दैट इज टाइप्स ऑफ रीडिंग। अब रीडिंग भी हमारी कई तरह की होती है, मैंने इसमें फोर ही मेंशन करी है, लेक्सिकल रीडिंग भी होती है, क्रिटिकल रीडिंग भी होती है, वे भी मैं आपको कराऊंगी, लेकिन हमारी फिलहाल फोर टाइप्स की जो मेन रीडिंग है जो अक्सर सीटेट के क्वेश्चंस में पूछी जाती है इंग्लिश पेडागोजी के सेक्शन में,
तो इसमें आती है हमारी स्कीमिंग, स्कैनिंग, इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव रीडिंग, क्लियर। एंड स्कीमिंग एंड स्कैनिंग में अक्सर बच्चे को डाउट्स रहते हैं, थोड़ी सी कन्फ्यूज़न हो जाती है, जो बिल्कुल नेचुरल है। अगर आपकी कन्फ्यूज़न है तभी आपको नॉलेज है, कहते नहीं है, अगर आपके अंदर ज़्यादा डाउट्स होंगे तो आपको ज़्यादा नॉलेज मिलेगी, क्योंकि आप जब उन डाउट्स को पूछोगे तो आपकी एक आपकी जो नॉलेज है वे आपकी धीरे धीरे ऐड होती जाएगी, क्लियर। तो हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे स्कीमिंग के बारे में, और आज मैं आपको सिर्फ स्कीमिंग के बारे में ही कराऊंगी, क्योंकि जब हम स्कैनिंग का टॉपिक शुरू करेंगे तो आपको स्कीमिंग से रिलेटेड कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए, क्योंकि स्कीमिंग एंड स्कैनिंग को स्टूडेंट्स ऑलमोस्ट एक ही समझते हैं, उसको डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते। तो आपकी मैं ये प्रॉब्लम इस वीडियो के थ्रू कम्प्लीटली दूर कर दूंगी, आप बस इस वीडियो के साथ बने रहिएगा, और आप खुद ही कह देंगे कि हमारा जो ये वीडियो देखना था वर्थ रहा हमारे लिए, यानी हमारे लिए ये वीडियो काफ़ी वैल्यूएबल रही। चलिए अब थोड़ी कम बातें करती हूँ मैं, आगे चलते हैं। देखिए स्कीमिंग, स्कीमिंग इज़ अ फास्ट टाइप ऑफ रीडिंग। सीधी सी बात है, स्कीमिंग एंड स्कैनिंग दोनों ही हमारी फास्ट टाइप ऑफ रीडिंग स्ट्रेटजी, यानी इससे हम फटाफट रीड करने की कोशिश करते हैं। इट मींस व्हेन यू वांट टू रीडिंग समथिंग क्विकली टू गेट अ जनरल आइडिया, यानी इसमें आप पूरी इंफॉर्मेशन को फटाफट पढ़ रहे हो। किस लिए पढ़ रहे हो? ताकि आपको एक जनरल आइडिया मिल सके उस कंसेप्ट से रिलेटेड, क्लियर। मैं आपको एग्जाम्पल दूंगी तो आपको उससे ये चीज़ बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगी कि एक जनरल आइडिया लेना किसी भी कंसेप्ट का। देखिए स्कीमिंग की हेल्प से आप मेन आइडियाज़ को आइडेंटिफाई करते हो। स्कीमिंग इज 3 to 4 times फास्टर रेगुलर रीडिंग, यानी एज कम्पेयर टू नॉर्मल रीडिंग स्कीमिंग हमारी 3 to 4 times फास्ट रीडिंग होती है। यूज व्हेन देयर इज़ अ लॉट ऑफ मटेरियल एंड शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम, इसको हम तब यूज़ करते हैं स्कीमिंग को जब हमारे पास बहुत ही कम टाइम हो और हमें बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे हमें कोई प्रेजेंटेशन, आपको एग्जांपल दे रही हूँ इसमें, जैसे मान लीजिए आपको 2 days के अंदर एक प्रेजेंटेशन देनी है, ठीक है। मान लो आप करंट टॉपिक ले लो चंद्रयान, जो हमारा आज जो करंट में चला हुआ है टॉपिक, जो विक्रम लैंडर आपने सुना होगा, तो करंट टॉपिक आप ले लीजिए चंद्रयान, और आपको उसमें 2 days के अंदर प्रेजेंटेशन देनी है। अब आपके पास कितना सारा डाटा होगा उससे रिलेटेड, ठीक है, आप न्यूज़पेपर उठाएंगे, आप मैगजीन्स उठाओगे, आप नेट की हेल्प लोगे, आप यूट्यूब की हेल्प लोगे, यानी आपके पास बहुत सारे सोर्सेज हैं इन्फॉर्मेशन के एक प्रेजेंटेशन बनाने के लिए। लेकिन टाइम तो सिर्फ 2 ही दिन आपके पास, यानी आपके पास टाइम तो बहुत थोड़ा है लेकिन मटीरियल तो बहुत ज़्यादा है। तो आप कैसे उस मटेरियल को यूटिलाइज करके, उस शॉर्ट टाइम को यूटिलाइज करके एक अफेक्टिव प्रेजेंटेशन को तैयार करेंगे? तो ये कैसे होगा? विद द हेल्प ऑफ स्कीमिंग, यानी स्कीमिंग की हेल्प से आप हर एक लाइन को बैठकर नहीं पढ़ोगे, आप सिर्फ हर एक जो भी, जैसे मान लीजिए आपने न्यूज़पेपर उठाया, आपने फटाफट आपने पैराग्राफ की मेन हेडिंग देख ली, आपने हर एक पैराग्राफ का जो मेन इंट्रोडक्शन आपने खाली वे पढ़ लिया, ठीक है, जिससे कि आपको एक ओवरव्यू मिल जाए कि इस पूरे पैराग्राफ के अंदर, इस पूरे पैसेज में मुझे किस तरह की इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। आपने उसका एक जस्ट एक जनरल आइडिया ले लिया, एक जनरल इंप्रेशन ले लिया अपने माइंड के अंदर, क्लियर। ऐसे ही आपने नेट की हेल्प ली, आपने कोई टॉपिक सर्च किया, देन आपके पास पूरी PDF आ गई। तो आप पूरी PDF को कभी भी नहीं पढ़ते, आप खुद अपनी रियल लाइफ से एक्सपीरियंस करके देखिए, जब भी आप कोई टॉपिक पढ़ रहे होते हैं तो आके आप पूरी PDF को पढ़ते हैं एक एक लाइन? नहीं, आप इसमें से सिर्फ वही डाटा उठाते हैं जो आपको लगता है कि इससे मुझे काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल सकती है। यानी एक पैराग्राफ पूरा दे रखे और आपने 2 paragraph पढ़ लिए, आपको लगता है कि इतना मेरे लिए सफिशियंट है, क्योंकि इससे मुझे पूरी PDF फाइल का आइडिया मिल गया कि इससे मुझे क्या क्या मटेरियल मिल सकता है, इसमें मुझे क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। तो स्कीमिंग का मतलब भी यही होता है, जब आप पूरी पैसेज को ना पढ़कर आप उसमें फटाफट वे चीज़ें पढ़ रहे हो, वे लाइन पिक कर रहे हो जो आपकी एक जनरल आइडिया लेने के लिए हेल्प कर रही है, क्लियर। ऑल्सो कॉल्ड रैपिड सर्वे रीडिंग, स्कीमिंग का दूसरा नाम है रैपिड सर्वे रीडिंग, क्लियर। मैंने देखो अलग अलग कलर से हाईलाइट किया हुआ है, इसका मतलब ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेमोराइज करने, इसको लर्न करना, क्लियर। आगे चलते हैं, स्कीमिंग हमारे किस किस चीज़ों में हेल्प करती हैं? सबसे पहले आपको एक ओवरऑल पर्पस का मालूम चल जाता है, यानी जो भी आप जिस भी टॉपिक के बारे में आप पढ़ रहे हो, स्कीमिंग की हेल्प से आपको पूरे पैसेज का एक जनरल आइडिया मिल जाता है कि इस पूरे पैसेज में हमें वे क्या बताना चाह रहा है। सेंट्रल आइडिया बात वही हो गई। ऑर्गेनाइजिंग पैटर्न, आप ऑर्गेनाइज कर सकते हो कि मान लीजिए एक
पैसेज है उसमें आपके 10 पैराग्राफ्स हैं, तो आपने हर एक पैराग्राफ को नहीं पढ़ा, आपने सबसे पहले पढ़ा इंट्रोडक्शन, क्योंकि इंट्रोडक्शन में आपको पता चल जाता है कि इस पूरे पैराग्राफ, इस पूरे पैसेज में हमें क्या चीज़ पढ़ने को मिलेगी। आपको इंट्रोडक्शन में एक माइंड में एक आउटलाइन बन जाती है जिसे आप ऑर्गेनाइज कर सकते हैं कि हमें इस पूरे पैराग्राफ में क्या पढ़ने को मिलेगा, तो आप उसके अकॉर्डिंग अपना पढ़ना शुरू करते हैं। मेन पॉइंट्स, यहाँ पर आप हर एक पैराग्राफ में से मेन मेन पॉइंट्स को उठाओगे। जैसे मान लीजिए आपने हर एक पैराग्राफ की 3 से 4 लाइन पढ़ ली और आपके लिए ये 3 से 4 लाइन सफिशिएंट है एक पूरे पैसेज का एक आइडिया लेने के लिए, ठीक है। ऑथर्स इंटेंशन टू डिस्क्राइब नरेट एक्सेट्रा, यानी आप स्कीमिंग की हेल्प से ये पता लगा सकते हो कि ऑथर ने इसके अंदर क्या डिस्क्राइब करना चाहा है, उसका क्या पर्पस है ये पैसेज बनाने का, आप उस पर्पस को समझ सकते हो। क्लियर, आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। मैंने ये जो मटेरियल है ऐसे असेंबल किया है जिससे आपको कोई भी डाउट ना रहे। क्लियर, देखिए आगे टाइप्स ऑफ स्कीमिंग। स्कीमिंग भी हमारी 3 तरह की होती है, स्कीमिंग टू ओवरव्यू, स्कीमिंग टू प्रीव्यू एंड स्कीमिंग टू रिव्यू। देखिए ओवरव्यू, प्रीव्यू एंड रिव्यू तीनों ही चीज़ें हमारी अलग होती हैं, देखिए। और आप इसको अपनी रियल लाइफ से रिलेट करके देखिएगा, आप स्कीमिंग को एग्जैक्ट लिमिटों में समझ जाएंगे कि ये क्या है। फर्स्ट देखिए स्कीमिंग टू ओवरव्यू। द पर्पस ऑफ दिस मेथड टू गेट एन आउटलाइन ऑफ व्हाट द मटेरियल इज अबाउट। You will be looking more at the structure than content. समझ में आया? इसमें कह रहा है कि आप जैसे मान लीजिए चंद्रयान हम बात कर रहे थे, आप मान लीजिए चंद्रयान के बारे में पढ़ रहे हैं, तो आप जब कोई भी चीज़ निकाल रहे हैं, कोई भी इंफॉर्मेशन निकाल रहे हैं, तो आप वहाँ पर ये देखेंगे कि इसको इसका स्ट्रक्चर कैसे है। फर्स्टली आप जब इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे तो आपको उसको इससे ये पता लगेगा कि हर एक पैराग्राफ के जो फर्स्ट लाइन है उससे मुझे क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही है, यानी आप उसका कंटेंट की बजाय उसका स्ट्रक्चर समझने की कोशिश करेंगे। स्कीमिंग टू प्रीव्यू, दिस इज यूज्ड व्हेन यू नो यू आर गोइंग टू रीड द मटेरियल, योर पर्पस इज टू गैदर एज मच बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन एज यू कैन ऑन द सब्जेक्ट विदाउट टू मच टाइम ऑन इट। इसका मतलब क्या कह रहा है कि आप मटीरियल को दोबारा पढ़ रहे हो, रीरीड कर रहे हो उस मटीरियल को, और आपका यहाँ पर मेन पर्पस ये रहेगा कि आपको जितनी ज़्यादा चंद्रयान के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाए आप उतना उसके बारे में इंफॉर्मेशन लो विदाउट एनी वेस्टेज ऑफ टाइम। क्लियर, तो मैं आपको बताती हूँ, आपने फर्स्ट टाइम रीड किया, आपको थोड़ा ज़्यादा टाइम लगा, आपने वही चीज़ दोबारा पढ़ी तो आपने उस चीज़ को फटाफट पढ़ लिया, आपने इमिजिएटली इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को लोकेट कर दिया। क्लियर, और इसमें स्कीमिंग के अंदर ये मैटर करती है बात कि आप क्या पढ़ रहे हो वे इम्पॉर्टेंट है, आप क्या छोड़ रहे हो वे इम्पॉर्टेंट नहीं है। ध्यान से सुनिएगा, स्कीमिंग में जो आप पढ़ रहे हो, जो आप मटेरियल पिक कर रहे हो, दैट इज इम्पॉर्टेंट फॉर यू, जो आप छोड़ रहे हो वे मैटर नहीं करता। क्लियर, स्कीमिंग टू रिव्यू, यू वुड यूज दिस मेथड व्हेन यू हैव ऑलरेडी रीड द मटेरियल एंड योर पर्पस इज टू रीफेमिलियराइज योर सेल्फ विद द कंटेंट। यहाँ पर हम रिवीजन भी कह सकते हैं एक तरीके से। मान लीजिए आपने मटेरियल को पढ़ लिया, आपने उसको दोबारा पढ़ के ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन भी कलेक्ट कर ली, देन आपने एक प्रेजेंटेशन प्रिपेयर कर ली, लेकिन आप उसे देने से पहले एक रिव्यू ले रहे हो, यानी उसके बारे में आप फेमिलियर हो रहे हो, यानी विद द हेल्प ऑफ प्रैक्टिस आप देख रहे हो मेरी कौन से पॉइंट मैंने कहाँ पर डाले हुए हैं, उसको मैंने कौन से डायग्राम के साथ डाला हुआ है, यानी आप अपने मटीरियल के साथ फेमिलियर हो रहे हो, तो वे चीज़ें भी हमारी किस में आएंगी, स्कीमिंग के अंदर आएंगी। आई होप आपको टाइप्स अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। अगर आपको कोई डाउट है तो विदाउट एनी हेजिटेशन आप मुझसे पूछिए, मैं आपका वे डाउट क्लियर करूंगी। अब आगे देखते हैं कि हम स्कीमिंग करते कैसे हैं। देखिए सबसे पहले आपको अपना पर्पस पता होना चाहिए, यानी आपको चंद्रयान के ऊपर एक प्रेजेंटेशन बनानी है तो आपको पता होना चाहिए कि मुझे जितना भी मटेरियल पढ़ना है, जो भी मुझे कंसेप्ट क्लियर करना है या जो भी मुझे मटेरियल चाहिए वे मुझे चंद्रयान से रिलेटेड चाहिए, तो नो व्हाट यू वांट, देन रीड वर्टिकली एज वेल एज हॉरिजॉन्टली। सीधी सी बात है, जब हम कोई भी टेक्स्ट पढ़ रहे होते हैं जो हमारा आई है, हमारा आई स्पैन है, वे हॉरिजॉन्टली भी मूव करता है, वर्टिकल भी मूव करता है। थिंक लाइक द ऑथर, जब भी आप स्कीम करो डाटा को, इन्फॉर्मेशन को, तो आप एक ऑथर की तरह देखो कि ऑथर ने जब चंद्रयान के बारे में लिखा तो उसने क्या सोचकर लिखा, उसने क्या इन्फॉर्मेशन देने का पर्पस, उसका मेन पर्पस क्या था ये डाटा बनाने का। जब आप इस तरीके से पढ़ोगे तो आप इमीडिएटली पता लगा पाओगे किसके अंदर आपको क्या चीज़ तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है और क्या चीज़ आपके लिए रेलेवेंट नहीं है। प्री रीड बिफोर यू स्टार्ट स्कीमिंग,
यानी जब आप स्कीमिंग शुरू करो तो उससे पहले फटाफट एक रीडिंग ले लो, फटाफट इन द सेंस कि ऐसा नहीं है कि आपने एक एक रैंक पढ़ा, आपने फटाफट अपने आई स्पैन को फास्ट किया, यानी फटाफट आप जितने वर्ड्स एक साथ पढ़ पा रहे हो आपने फटाफट देखा, इससे मुझे क्या एक ओवरव्यू आपने माइंड में ले लिया कि हाँ मुझे स्कीमिंग, आपने एक पीरियड ले लिया कि हाँ इससे मुझे इसमें मुझे क्या क्या पढ़ना है क्या क्या छोड़ना, आपने पीरियड, आपको एग्जाम्पल से समझाती हूँ। अगर आप कोई पेपर अटैम्प्ट कर रहे हो, पेपर अटैम्प्ट करने से पहले आप कभी भी देखना 5 मिनट हमेशा प्री आप उसको रीड करते हो पहले कि कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं, मुझे कौन सा क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है, मुझे कौन सा क्वेश्चन स्किप करना है। तो यही तो हम स्कीमिंग में करते हैं। जब भी आप स्कीमिंग करो, जो भी आप टॉपिक पढ़ रहे हो, तो आप ये देख लो फटाफट कि इसमें मुझे क्या क्या चीज़ें पढ़नी है अच्छे से, क्या क्या चीज़ें मुझे स्किप करनी है जो मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। तो यही है कि ये हमारी फोर्थ टेक्निक है कि स्कीमिंग स्टार्ट करने से पहले आप उसकी जस्ट एक प्री रीडिंग ले लो कि इसमें मुझे क्या स्किप करना है, क्या पढ़ना है। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल जब आप अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, ठीक है, तो आप जब एग्जाम की भी प्रिपरेशन करते हैं ना, तो आप हर एक पैसेज को नहीं पढ़ते, आप ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए आपने पियाजे के बारे में आपने कंसेप्ट किया, तो आप पियाजे के 10 पन्ने दिए हुए हैं पेज के अंदर, 10 पेजेस दिए हुए हैं टॉपिक से रिलेटेड, आप 10 पेजेस कभी नहीं पढ़ोगे। आपका एग्जाम तो 2 दिन बाद है, आप सिर्फ एग्जाम डे पे पढ़ रहे हो, तो आप एग्जाम डे में कभी भी उन 10 पेजेस को नहीं पढ़ोगे, आप उसमें सिर्फ वही डाटा उठाओगे। पहले आप उसकी प्री रीडिंग करोगे कि इसमें मुझे क्या तो कट करना है और क्या टिक करना है, यानी क्या तो मुझे टॉपिक्स पढ़ने हैं जो मेरे पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और क्या मुझे छोड़ने हैं, भी आपकी होगी प्री रीडिंग। देन आप पढ़ना स्टार्ट करेंगे, ठीक है, और आप पढ़ना भी पूरी पूरी लाइन स्टार्ट नहीं करेंगे। मान लीजिए पियाजे की स्टेजेस है 4, तो आपने सबसे पहले पढ़ा पियाजे क्या है, ठीक है, देन आपने हर एक स्टेज को समझने की कोशिश की कि इससे मुझे क्या इन्फॉर्मेशन मिली। क्लियर? तो प्री रीडिंग आपको आई थिंक क्लियर हो गया होगा अच्छे से। देन हम बात करेंगे ट्राई टू डिटेक्ट द मेन आइडिया इन द इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ्स, यानी हर एक पैसेज की गिवन स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन गिवन जरूर होती है, तो आपको भी इंट्रोडक्शन पढ़ने से आपको एक आइडिया मिल जाता है कि इस पूरे पैराग्राफ में, इस पूरे पैसेज में हमें किस तरह की इंफॉर्मेशन मिलेगी, और वे आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होती है। अब मैंने ये वीडियो बनाई है तो आपको वीडियो को स्टार्टिंग में पता लग गया होगा जो मैंने आपको इंट्रोडक्शन दी थी कि आपको इस वीडियो में क्या क्या पढ़ने को मिलेगा, तो इससे आपको पता लग गया होगा माइंड में कि इससे मुझे क्या बेनिफिट मिलना है, ये मुझे देखना है या नहीं देखना। क्योंकि अगर आपको टाइप्स ऑफ रीडिंग करने हैं तो आप ये वीडियो जरूर देखेंगे। क्लियर? रीड द फर्स्ट सेंटेंस इन ईच पैराग्राफ। आप हर एक, अगर हमारी जो 10 पैराग्राफ है एक ऐसे में, तो आप हर एक पैराग्राफ की स्टार्टिंग की, हर एक पैराग्राफ की 1 से 2 या 3 लाइन आप जरूर पढ़िए, जिससे आपको पूरे पैराग्राफ का आइडिया मिल जाएगा। डोंट नेसेसरी रीड कंप्लीट सेंटेंसेस। आपको पूरे कंप्लीट सेंटेंस पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप मेन मेन पॉइंट्स को उठाइए, जैसे मान लीजिए आप स्कीमिंग के बारे में पढ़ रहे हैं, लाइक इसमें मैंने हाईलाइट किया हुआ था जनरल आइडिया। क्लियर? मैक्सिमम डाटा को आप कवर कर सकते हो शॉर्ट टाइम में। क्लियर? ये 3 से 4 गुना तेज होती है हमारी रीडिंग एज कम्पेयर टू नॉर्मल रीडिंग। तो मैंने यहाँ पर देखो कुछ कुछ पॉइंट्स को हाईलाइट किया हुआ था, तो आपको पूरा सेंटेंस देखने के बजाय जो मैंने हाईलाइट कर रखा है ना पॉइंट, आप सिर्फ उसी को ही देखिए, तो भी आपको वे पूरा पैराग्राफ समझ में आ जाएगा। स्किप एग्जाम्पल्स एंड प्रूफ्स। आपको जब एक कंसेप्ट क्लियर हो गया तो आप एग्जाम्पल्स को, एविडेंसेस को देखना छोड़ दीजिए, आप सिर्फ उस टॉपिक को समझिए। जैसे मान लीजिए स्कीमिंग है, आपको स्कीमिंग का मतलब अब तक अच्छे से, टेक्निक तक आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया वो स्कीमिंग क्या है। अब मैं आपको एग्जाम्पल दूँ या ना दूँ, आपको वे चीज़ अच्छे से क्लियर हो गई, तो आपको जब लगता है, जब आप सेटिस्फाई हो कि हाँ आपको एग्जाम, आपको जो कंसेप्ट है वे क्लियर हो गया, तो आप अपना टाइम एग्जाम्पल और प्रूफ की ऊपर वेस्ट करने की बजाय आप अगला टॉपिक अपना पढ़ना शुरू कर दीजिए। क्लियर? तो यहाँ पर आपको टेक्निक्स क्लियर हो गई होंगी स्कीमिंग की, और मैं आपको स्कीमिंग के एग्जाम्पल जरूर दूंगी, जिससे आपके जो थोड़े बहुत भी डाउट होंगे वे बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। स्कीमिंग इन एवरीडे लाइफ। देखा जाए हम अपनी रोजाना की जिंदगी में भी स्कीमिंग यूज करते हैं। मैंने आपको भी एग्जाम्पल बताया ही था, जैसे हमें कोई प्रेजेंटेशन बनानी हो, क्लियर, हमें कोई जैसे मान लीजिए कोई हम एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए पढ़ रहे हैं, तो वहां पर भी हम स्कीमिंग करते हैं, क्योंकि 2 दिन में पूरी बुक को पढ़ लेते हो, और आप श्योरली आप एक एक पेज को कभी नहीं, कोई इवन मैं भी नहीं पढ़ती, कोई भी नहीं पढ़ता, हर एक पेज को, एक एक लाइन को कोई भी नहीं पढ़ता, और एग्जाम डेज के अंदर आप जस्ट उस बुक की स्कीमिंग करते हो। इससे अच्छा एग्जाम्पल आपके लिए हो ही नहीं सकता। इससे आपको एकदम अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए कि स्कीमिंग क्या है। देखिए एग्जाम्पल देखिए इसका। When you looking at a newspaper, we are actually skimming। जब हम एक newspaper को पढ़ रहे होते हैं तो हम actually उस time skim कर रहे होते हैं, क्योंकि हम newspaper के एक एक line को कभी नहीं पढ़ते,
वी डू नॉट रीड एवरी वर्ड इंस्टेड वी स्किम इट टू गेट अ जनरल आइडिया ऑफ व्हाट द मेन आर्टिकल्स आर अबाउट. हम कभी भी हर एक वर्ड को नहीं पढ़ते, उसको हम जस्ट स्किम कर रहे होते हैं, यानी हम मोटा मोटा सारा उठा के पढ़ रहे हैं, एक मेन मेन पॉइंट्स को उठा रहे हैं ताकि हमें एक जनरल आइडिया मिल जाए कि न्यूज़पेपर में हमें क्या बातें बताई गई है, क्या हमें इन्फॉर्मेशन करंट टॉपिक से रिलेटेड मिली है. वी माइट यूज़ द हेडलाइंस, हम खाली हेडलाइंस ही पढ़ लेते हैं, फोटोग्राफ देख के आइडिया लगा लेते हैं, कैप्शन देख लेते हैं, जो हमें हेल्प करता है डिसाइड करने में कि हमें आगे आर्टिकल पढ़ना चाहिए या इसको स्किप करना चाहिए, इसको सर्च करना चाहिए. यानी अगर आपको हेडिंग पढ़ने से आगे का पूरा पैराग्राफ क्लियर हो जाता है तो आपको ये हेल्प करता है डिसाइड करने में कि आपको ये पैराग्राफ पढ़ना है या स्किप करना है. क्लियर? अब स्कीमिंग किन किन डिग्रीज में होती है? स्लाइड, पार्शल, कंप्लीट. हम स्कीमिंग को 3 डिग्रीज के अंदर कर सकते हैं. स्लाइड में, यानी स्लाइड में इसका मतलब है कि आपने जो अनइम्पॉर्टेंट वर्ड्स है, लिंकिंग वर्ड्स, आपने उसको इग्नोर कर दिया. जैसे ए, फोर, द, ऑन, इट, आपको समझ में आ गया होगा ये एक सेंटेंस को लिंक करते हैं, यानी एक वर्ड्स को आपस में लिंक करते हैं और एक सेंटेंस बनाते हैं, है ना. अगर हम द लगा देंगे तो एक सेंटेंस बन जाएगा. ए मतलब ये क्या है, आपने प्रेपोजिशन सुनी होगी, प्रेपोजिशन जो है वे लिंक करती है वर्ड्स को आपस में, एक सेंटेंस बनाती है. यानी ये जो लिंकिंग वर्ड्स है हमारी, इसको हम कभी भी नहीं पढ़ते. जैसे मान लीजिए जो मेरी बिल्कुल स्कीमिंग की जो मेरी फर्स्ट स्लाइड थी स्कीमिंग से रिलेटेड, वहां पर मैंने हाईलाइट किया होता जनरल आइडिया. क्लियर? तो आपको सिर्फ वे हाईलाइट के वर्ड ही देखने, आपको पूरा कंप्लीट सेंटेंस पढ़ने की जरूरत नहीं है. अगर आपने वे हाईलाइट के वर्ड भी देख लिया तो आप पूरा समझ जाएंगे किसके अंदर क्या है. पार्शल, इसका मतलब है कि आपने इसमें सिर्फ इंपॉर्टेंट चीजों को ही उठाया पढ़ने के लिए. एंड कंप्लीट, इसका मतलब आपने आपका जो मेन आइडिया है, आपने सिर्फ उस मेन आइडिया से रिलेटेड पूरे टॉपिक को समझने की कोशिश करी, उसका एक कंक्लूजन निकालने की कोशिश करी. क्लियर? आई होप आपको मेरी आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी. और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि इससे मुझे थोड़ी मोटिवेशन मिलेगी और मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होंगी कि मैं आपके लिए अगली वीडियो और भी अच्छी लेके आऊँ और बहुत इजी एग्जांपल्स के साथ मैं आपका वे कंसेप्ट क्लियर करूँ. और आप अपने उन एग्जांपल्स को रियल लाइफ के साथ रिलेट करके देखिएगा तो आपको ये चीज़ें बहुत फास्टली समझ में आएंगी, बहुत अच्छे से समझ में आएंगी. एंड मेरी वीडियो को कमेंट कीजिए अगर आपको कोई डाउट है तो. अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आप कमेंट भी कर सकते हैं अच्छा. और अगर आप मेरी वीडियो को डिसलाइक करें, और आप मेरी वीडियो को डिसलाइक कर सकते हो, ये आपका हक है डिसलाइक करना. अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, और अगर आपको अच्छी नहीं लगे तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, बिकॉज यू हैव अ राइट टू डिसलाइक माई वीडियो. ठीक, क्लियर? लेकिन मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरी वीडियो को डिसलाइक करें तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट में अपने डिसलाइक करने का रीज़न ज़रूर बताएं, क्योंकि मुझे उससे पता चलना चाहिए कि मेरे सब्सक्राइबर्स को क्या चीज़ पसंद नहीं आ रही, जिससे कि मेरी जो नेक्स्ट वीडियो रहेगी मैं उसमें उस रीज़न को रिमूव करने की कोशिश करूँगी. और मैं आपको आपके लिए उस जो आपका जो रीज़न था डिसलाइक का, उस रीज़न को रिमूव करके आपके लिए और अच्छी वीडियोज़ लेकर आऊँगी, जिससे आपको डिसलाइक करने का मैं मौका ही ना दूँ. क्लियर? तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा, एंड अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए. जो एजुकेशनल ग्रुप्स है वहाँ पर डालिए मेरी वीडियोस को, जिससे उनको मेरे कंसेप्ट्स जो है मैं समझाना चाह रही हूँ आपको अच्छे से समझ में आ जाए. ओके, मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगी आपके लिए स्कैनिंग का टॉपिक, ऐसे ही हम उसको डिटेल में पढ़ेंगे. और स्कीमिंग आपका अच्छे से हो गया होगा. एंड एक चीज़ और, अगर मेरे 1000 सब्सक्राइबर हो जाते हैं देन मैं आपके लिए लाइव वीडियोस लेकर आऊँगी, जिसमें मैं आपको विद द हेल्प ऑफ ब्लैकबोर्ड आपको लाइव हर एक टॉपिक को क्लियर कराऊँगी. क्लियर? लेकिन ये मैं तब कराऊँगी जब मेरे 1000 सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे, जिससे 1000 सब्सक्राइबर्स होने के बाद जो मेरी फैमिली है, जो मेरी बॉन्डिंग है, वे काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी. तो मैं आप सबके लिए स्पेशल लाइव वीडियोस लेकर आया करूँगी, जिसमें मैं आपको ब्लैकबोर्ड की हेल्प से सारे टॉपिक समझाया करूँगी. क्लियर? ओके, टिल देन थैंक यू एंड टेक केयर एंड बाय बाय.